बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये तो बहुत बड़ी मूर्ति है। और कुछ कुछ मूर्ति यहाँ पे, मतलब भगवान बुद्धा जैसे मूर्तियाँ देवाचे बनून टाकले। हाँ, भगवान बुद्धालाच। हे भगवान बुद्धाचे शिष्य, दोन इकडून आहे आणि तीन इथे आहे, है ना। सुंदर आहे, मस्त। तिकडे बघूया, चला। बघा बघा बघा, किती सुंदर आहे बघा। बापरे, बाहेर पण किती छान आहे ना, सुंदर वाटत आहे ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये पूरी पत्थर की, पूरी भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये देखिए, यहाँ पे भी है टिबेटन बुद्ध। ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना, ये है बुद्ध का देश। ज़रूर मेरे माँ बाप ने कुछ तो भी ऐसे कर्म किए हैं जो आखिरी वक्त में मुझे ये सब नसीब हुआ है। मुझे सब बुद्ध के देश घूमने का मौका मिला है। स्तूप है, स्तूप है, ये देखिए स्तूप है ये। हाँ, स्तूप है, देखिए, है ना, बहुत बहुत है यहाँ पे। ऐसे ऐसे बुद्ध है, ऐसे है, देखिए देखिए, बहुत बहुत। चलो ऊपर जाते, उधर देखते हैं। हाँ, देखिए इधर भी बहुत सारे, बहुत प्राचीन काल के। ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या रखा है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए बहुत। और ये जो बोधि वृक्ष है ना, ये बौद्ध गया से लाया है उन्होंने। हाँ, ये बौद्ध गया का रोप ला के लगाया उन्होंने, बौद्ध गया का। ये है ना बोधि वृक्ष, हाँ, ये बौद्ध गया का है। ये देख लीजिए, देख लीजिए आपको, ये देखिए पत्ते। और ये बोधि वृक्ष बौद्ध गया का है, बोधि वृक्ष बौद्ध गया का रोप ला के उन्होंने लगाया है। और अभी मैंने भी बौद्ध गया का एक रोप लगाया। अब मैं जब जाऊंगी तो नागपुर लेके जाऊंगी। ये देखिए, ये मैं जब एक महीने भी बोधि वृक्ष का ओरिजिनल रोप लिया है और वो लगाया है। और वो मैं नागपुर में मेरे घर के सामने जो विहार है, रमाई बुद्ध विहार, वहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ वो। देखिए, मैं आपको यहीं से पूरी श्रीलंका, क्योंकि ये बुद्ध का देश है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए, बहुत सारी मूर्ति है यहाँ पर, देखिए। बड़ा अच्छा लगता है, सच्ची बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है। मेरा जीवन सफल हो गया। फिर लोग कहते हैं कि बंटी जी ने रोना नहीं चाहिए, क्योंकि शुगर लिए बराबर कोई अर्हत नहीं होगा, बराबर ना। और ये सब देख के मेरी आग भर आती है, कि लगता है कि मेरे माँ बाप ने जरूर कोई पुण्य किया है। ये अवसर मुझे मिला है, ये देखने को सब मिला है। देखिए देखिए, और सही में बुद्ध की जो शांति है, कितना भी हार्ड मन का इंसान रहे पर वो कोमल बन जाता है। देखिए देखिए देखिए, ये वहां तक है पूरी मूर्ति लगी हुई।
तो ये सब देख के सही में आँख में आंसू आते हैं कि ज़रूर मेरे माँ बाप की पुण्य ही ये अवसर मुझे मिला है। देखो उत्ती वो साइड में भी वैसी मूर्तियाँ लगी हैं सफ़ेद वाली पीछे, तो चलो उधर जाके देखते हैं। और हाँ बहुत सारा दिखा दिया आपको, देखिए है ना, यही बोधि वृक्ष बोली मैं आपको, यही बोधि वृक्ष बुद्ध गया से उसका रूप लाया है और यहाँ पे लगाया है ना। चलो बहुत सारा स्तूप है, स्तूप है, ये देखो चारों तरफ से बहुत सारी ऐसी पत्थर की मूर्ति लगी है, ये देखिए चारों तरफ, चारों तरफ देखिए कितना सुंदर है ना, ये देखिए ये भी देखिए कितना प्यारा है, बहुत बापरे 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 बापरे, वाह 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 बापरे, ये है बुद्ध की नगरी है, शब्द सरा लेने वाले का समय का इसने रहा ला मजे कड़ा शब्द सरा लेने सांगला जीवर घेतला तर जरा कोमल मनाची झाली, बुद्धाने एवढं आडमन होतं जरा कोमल मन, ते अर्हत झालेले आहेत, ते काचात जी दिसत आहे ना अर्हत झालेले आहेत, तिथे खूप सुंदर आहे ना, बापरे 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 काय कहू, हे देखी देखी ऊपर मापे, ये है बुद्ध का देश, ये लोग करते हैं बुद्ध फॉलो, हम लोग तो पेट भरने के लिए बुद्ध जाते हैं, ये देखिए विशाखा है, राजा राजा अशोक सम्राट की बेटी है, तुम्हाला हे जे दाखवलं मी तुम्हाला याला किती वर्ष झाली माहिती का, 175 वर्ष पुराण्या भंतीजीचं जे त्यांनी आहे तेव्हापासून हे त्यांनी टिकून ठेवलं, किती वर्ष 175 वर्ष विचार करा, हे श्रीलंका कशाला म्हणतात 175 वर्षापासून, बघा हे प्राचीन काळासारखं, बघा ते बघा वरती किती मोठी आहे, 175 वर्षाचं आहे हे, तेव्हापासून ही परंपरा त्यांनी टिकून ठेवलेली आहे, आणि इथे मूर्त्याचं हजारानं कलेक्शन आहे, हजारानं 101 जे तुम्हाला कच्चीच पाहायला मिळणार, हे श्रीलंका।